राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। आलमगीर आलम को आज ईडी ऑफिस में बने हाजत में रखा जाएगा, मेडिकल जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें गुरुवार को 10 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को भी उनसे 9 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने आलम को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए 12 मई को नोटिस भेजा गया था। आलमगीर आलम झारखंड की महागठबंधन सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में ईडी की गिरफ्त में है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।